हेलो एवरीवन, मैं लेकर आ गई हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी। फेस्टिवल आ गया है तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिए, देखना बच्चे इतने खुश हो जाएंगे, आपको ज़रूर बोलेंगे प्यार से थैंक यू मम्मा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ये आप देख ही सकते हैं कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही चॉकलेटी यम्मी, बच्चों की एकदम फेवरेट होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने दो छोटी कटोरी मैदा ले लिया है, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने बटर ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मेरे पास बटर रखा था तो मैं बटर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेल्ट करने के बाद इसको, 4 चम्मच बटर है ये, खाने वाली जो हमारी स्पून होती है उसके बाद 4 चम्मच बटर है, तो वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये मैं इसमें सारा डाल दूँगी और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हम पानी लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बाइंड होना चाहिए ये। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हमें बनाना है रोटी के जैसा, जैसे हम गुजिया का डो बनाते हैं और उसी तरीके का डो हम इसको तैयार कर लेंगे। तो मैं डो तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके का सॉफ्ट सा डो तैयार किया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं इसे ढककर रख देती हूँ। तो फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं आधा कटोरी के करीब डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने, जो नारियल का बुरादा होता है वो ले लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और आधा कटोरी मैं यहाँ पे मावा ले रही हूँ, अगर मावा नहीं डाल सकते तो जो मिल्क पाउडर आता है आप इसकी जगह वो ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर मावे को थोड़ा सा गर्म करके ये ले लिया है। और अब हम इसमें मैं यहाँ पर गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डेरी मिल्क चॉकलेट ली है, उसको इस तरह से पीसेस में इसमें मैंने मिला लिया है, आप चाहे तो बिल्कुल ग्रेट करके भी इसको डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो पिज़्ज़ा चीज़ जो होता है उसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है, आप चाहें तो इसको भी ग्रेट करके ले सकते हैं। तो अब हम अपना आटा देख लेते हैं और गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इसे मल लेंगे आटे को इस तरह से, और अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे छोटी छोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी इस तरह से लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बेलकर तैयार कर लिया है और इतना पतला रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। और हम इसमें फिलिंग भरेंगे अपनी, तो इस तरह से 1 चम्मच फिलिंग हम इसमें भरेंगे और 1 चॉकलेट का बाइट इसमें आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको भरेंगे, मैं इसे यहाँ सेंटर में रख देती हूँ। और साथ में हम चीज़ ले लेंगे, चीज़ को भी इसमें हम रख देंगे इस तरह से, आप चाहे तो ये दोनों ही चीज़ें ग्रेट करके या और छोटे टुकड़ों में भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा हम जो कॉर्नर पर हम पानी लगा लेंगे इस तरह से, और अब हम इसे दोनों साइड से, दोनों हाथों की मदद से, दोनों साइड से हम लेकर इसको इस तरह से जोड़ देंगे बीच में से, और फिर हम इसको साइड से धीरे धीरे जोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छे से इजीली तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली इसे बना सकते हैं और बहुत यमी लगती हैं खाने में। तो इस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह से कॉर्नर को गूद करके डिज़ाइन बना रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो स्पून कटर आता है उससे बना सकते हैं, और या फिर जो किचन की सीज़र होती है हमारी उससे कट करके भी बना सकते हैं। तो जैसे आप चाहें, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। मैंने एक गुजिया इस तरह से बनाकर तैयार की है, बाकी मैं कट करके तैयार करूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी गुजिया मैंने यहाँ पर इस तरह से सीज़र से कट करके तैयार की है। तो आप जैसे चाहें, जैसे आपका मन हो वैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी गुजिया हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है, ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे हम, और उसके बाद हम अपनी गुजिया फ्राई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक गुजिया डाल के फ्राई करके देख लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे।
और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए इस तरह से हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स, और 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने में। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें नहीं इसको फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, जिससे मैदा जो है हमारा, क्रस्ट जो है हमारा, अच्छे से कुक हो जाएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं, ये हमारी फ्राई हो गई है। अब इसी तरह से बाकी गुजिया भी मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से हमारी गुजिया फ्राई हो रही है इस तरह से। तो ऐसे ही हम इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और ये मैंने निकाल ली हैं फ्राई करके, तैयार है हमारी रेसिपी। और इस तरह से मैंने इन्हें चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट कर दिया है, आप अंदर फिलिंग भी देख सकते हैं, एकदम चीज़ चॉकलेटी फिलिंग है, और साथ में चॉकलेट सिरप मैंने रख भी दिया है बच्चों को अगर एक्स्ट्रा डिप करके खानी है तो आप देख सकते हैं चीज़ चॉकलेट की फिलिंग बहुत यम्मी है। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं आज फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं बोला है। सो अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, फेस्टिवल में, दिवाली में बहुत आपको पसंद आने वाली है। तो ये चीज़ चॉकलेट गुजिया रेडी है।